पिंजोर गार्डन, पिंजोर गार्डन रुकने का प्लान है, तो दिखाते हैं आपको पिंजोर गार्डन भी कैसा है। सो हेयर वी गाइज, हम हैं पिंजोर गार्डन में, पार्किंग में अभी गाड़ी पार्किंग लगा सकते हैं और दिखाते हैं आपको कि पिंजोर गार्डन कैसा है कैसा नहीं है। भाई एंट्री फीस है 40 रुपये, 40 रुपये लिए हुए हमारी एंट्री के, ठीक है, या पार्किंग के लगा लो, आगे जो भी होगा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे भी रहेगा। सो गाइज, ये है पिंजोर गार्डन की पार्किंग और पार्किंग हम गाड़ी लगा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पार्किंग के बाद पिंजोर गार्डन, जो यहाँ का बहुत फेमस पार्क गार्डन है, ठीक है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पिंजोर गार्डन और ये हमारे अगेन क्यूट कपल। बट हाँ, इसको पता था कि यहाँ पे पिंजोर गार्डन है और बाय चांस लकली पास में ही था, रास्ते में जाते हुए। हाँ तो ये पार्किंग है, पार्किंग से अंदर चलते दिखाते हैं आपको पिंजोर गार्डन का लुक थोड़ा सा। मतलब रात को लाइटिंग वगैरह होती है क्या? लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो भाई पिंजोर गार्डन में जाते हुए ये एंट्री फीस है 25 रुपये पर पर्सन, एंट्री फीस 25 रुपये और हमारी लेडी सिंगम गई हुई है टिकट लेने, है ना। तो देखते हैं अभी एंट्री फीस 25 रुपये, 25 रुपये। बहुत पैसे वाले लोग पहुंचे हुए आगे। भाई ये है एंट्री, एंट्री पॉइंट, ठीक है, पिंजोर गार्डन का एंट्री पॉइंट है ये और ऊपर से देख ही सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ था और शीश महल में क्या हुआ था? यहाँ पे शीश महल में क्या करते हैं, अब हम यहाँ के राजा हैं। नहीं मुझे हिस्ट्री पता है शीश महल की? नहीं बताओ, शीश महल दिखा के दिखाओ। भाई पता है क्या हिस्ट्री? ठीक है भाई, आना बहुत आसान होता है भाई, देखो हिस्ट्री नहीं पता तो भाई मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री पता नहीं गलत क्यों बोलूं। तो ये शीश महल है, ठीक है, इसको इंसल्ट से फील हो चुकी है, ये बार बार इसको टोंट मार रहा है। अब इनके ड्रामे शुरू हो चुके हैं, ये थोड़ी एक्टिंग करेगी, वो थोड़ी एक्टिंग करेगा, ठीक है, और ये आगे से और अब आ चुके रंगमंच, रंग महल, ये है एंट्री पॉइंट। चल साइलेंस फील करो, साइलेंस हम डर रहे होगी पीछे बैकग्राउंड में, जहाज उड़ रहा है हेलीकॉप्टर। पिंजोर गार्डन में वहां पर सुनने का इंतजार करते हैं, उसके बाद से अपनी जोड़े गाली के बीच में पहुंच रहे हैं और अपने गीत आज नजर आएगा। हेलो, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये कुछ गाना गाएंगे, जोरदार ताली, हर गाना हम सुना जाए कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए म्यूट कर देंगे, बीप करते हैं, बीप पीते ही मन हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की हर खबर चंद महाराज की। माइक पे सब को लेता हूँ, जो अच्छा आसेगा सर आप जजमेंट कीजिएगा, गंगा चाय का इलाज का पैकेट मंगाइएगा, जो अच्छा हंसेगा, हंसने के तरीके होते हैं। हाँ आइए, सबसे पहले मैं सबसे पहले सुभाष भाई ये हंसकर दिखाएंगे, फिर गाना सुनाएंगे। चलिए आप आगे जाओ, कोई बात नहीं, जजमेंटल साहब करेंगे हमारे एमडी साहब, कमन कमन कमन, आपका टाइम खत्म। सो गाइस हियर
वी आर इन पिंजौर गार्डन। कितना अल्टीमेट व्यू है, कितना शानदार व्यू आप देख ही सकते हो। बहुत अच्छा गार्डन है गाइस, एक और शानदार लोकेशन पिंजौर गार्डन में जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी, तो आप देख ही सकते हो कितना अल्टीमेट है लुक। और अपने आप में शांति है यहाँ पे, आप व्यू देख ही सकते हो, इधर उधर सब जगह भी देख ही सकते हो। नीचे सामने काफ़ी लंबे एरिए में, काफ़ी बड़े एरिए में, हम नीचे आपको प्रॉपर वो वहाँ तक दिखाएंगे जाके, ठीक है। तो चलते हैं। तो भाई साहब देख ही सकते हो बहुत 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 बड़े एरिए में फैला हुआ है पिंजौर गार्डन, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया। तो काफ़ी दूर तक है यार ये गार्डन ना, काफ़ी अच्छा भी और शांति भी है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो गाइस आप देख ही पा रहे होंगे छोटी स्क्रीन में पिंजौर गार्डन का बैक साइड से, तो बहुत अल्टीमेट है, ठीक है, और बहुत अच्छी लोकेशन है, शानदार है, यहाँ पे फैमिली आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो आप प्रॉपर। देखो गाइस व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत ही अल्टीमेट सा व्यू है। फुहारे, पानी के फुहारे चल रहे हैं आसपास, बढ़िया लोकेशन है। अब इनकी फोटो फोटो उतारते हैं और फिर चलते हैं फटाफट खाना खाना खाने। सो गाइस खाने का प्लान यही बन चुका है, हमें कुछ दिख चुका है सामने बहुत अच्छा सा, पता नहीं क्या है, देखते हैं जाके, चलते हैं। रेस्टोरेंट टाइप है कुछ भी है, जो भी है आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो फाइनली स्क्रीन में हमारे सामने क्यूट कपल और क्यूट कपल के भाई और मैं, इनका बहुत बड़ा भाई, ठीक है। तो बैक कैमरे की तरफ और देखते हैं, आपको दिखाते हैं सामने, आपको देख पा रहे होंगे। सो गाइस एक एक साइड है और एक साइड है, दोनों में पक्का कंपटीशन चलता होगा, सामने खड़े हैं देखो दोनों। आपने देखा था ना जहाँ से हमने खाना खाया था, वहाँ से कभी मत खाना बेसिकली, जो आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ ना तो टेस्ट था ना कुछ था, और प्राइस भी हाई थे, इतने भी हाई नहीं थे लेकिन डबल प्राइस थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है, डबल प्राइस होने में जायजा, लेकिन टेस्ट नहीं था खाने में। तो ध्यान रखना बाहर से ही खा लेना, यहाँ पर गलती मत करना खा के। बाकी हाँ, अगर ज़्यादा ही भूखे तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,